हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का लेसन नाइन्थ, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, इसमें बताया गया होगा, बताएंगे हम कि मैटर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे देखिए, वी विल लर्न अबाउट, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम इन तीनों चीज़ों के बारे में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं बेटा। आगे देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये क्या होता है देखिए, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जस्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। What do you see? तुम्हें क्या दिखाई देता है? You can see, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे सकती है, जैसे कि टेबल, बुक, पेंसिल, ग्लास ऑफ मिल्क, कारपेट, लैम्प, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देंगी। ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, अगर हम देखें तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग मैटर की बनी हुई हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मैटर इज़ मेड अप ऑफ, क्या तुम्हें अद्भुत नहीं लगता कि मैटर किस चीज़ का बना होता होगा? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कंपोजिशंस ऑफ मैटर एंड इट्स वेरियस स्टेट्स। आगे देखिए बेटा, इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मैटर होता क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग, मैटर ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, डैट हैज़ वेट, जिसके अंदर वेट हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस को घेरती हो। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर, हर एक चीज़ है वो मैटर की बनी हुई है। एयर डैट वी ब्रीथ इन मैटर, जो हवा है जो सांस लेते हैं वो भी क्या है, मैटर है। अवर बुक्स, क्लोथ्स, फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट, जो हमारी किताबें हैं, कपड़े हैं, खाना है, और भी जो चीज़ें हैं, मेंशन्ड अबव आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर, ये सारी की सारी किस चीज़ से बनी हुई हैं, मैटर से बनी हुई हैं। देखिए, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, टीनी छोटे छोटे टुकड़ों से, किसके, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है बेटा। देखिए, वो किससे बना होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, जो मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, जो मैटर होता है वो किससे बनता है, टीनी पार्टिकल्स से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब कि कौन कौन सी होती हैं ये। मैटर एग्जिस्ट्स इन थ्री स्टेट्स, इसकी थ्री स्टेट्स होती हैं, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आगे इसमें बताया जाएगा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और हमारी गैस क्या होती है बेटा। देखिए, वेदर द मैटर इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंड्स अपॉन द वे ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड, अगर हम बात करें पहले सॉलिड की। देखिए, अब देखो, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ डिफाइन वॉल्यूम, इन दिस स्टेट मैटर हैज़ मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे कैन नॉट मूव अराउंड, दैट इज वाई सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, सॉलिड्स के बारे में। देखो, कोई भी सॉलिड चीज़ होती है उसकी क्या शेप होती है, एक फिक्स्ड शेप होती है। फिक्स्ड शेप से मतलब मेरा है बेटा, आप उसको ईजीली चेंज नहीं कर सकते, लाइक टेबल, टेबल की अपनी एक शेप है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसे मरोड़ तरोड़ के बार बार चेंज कर सकते हो, उसकी जो शेप है वही रहेगी, वो एक सॉलिड है, उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है।
और एक डिफाइन वॉल्यूम होती है। और उसकी फिक्स्ड शेप होने का कारण क्या है, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल ही पास होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, सटे हुए होते हैं, जिससे वो कहीं भी इधर उधर मूव नहीं कर पाते, जिसके कारण कोई भी सॉलिड चीज है उसकी शेप कैसी होती है बेटा, फिक्स्ड होती है। टेबल हो गया, चेयर हो गई, पेंसिल हो गई, ये सारे हमारे सॉलिड के ही एक तरीके से एग्जांपल है। जैसे कि देखो, उसने कहा है टेक अ बोल पुट इन ऑन अ टेबल आफ्टर दैट इन अ ग्लास एंड देन ऑन द फ्लोर ईच टाइम ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड वॉल्यूम सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू कैन कंसर्न डैट सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब उसने क्या कहा, एक बोल ले लो, उसको किस पे रख दो, टेबल के ऊपर रख दो, आफ्टर डैट फिर उसे ग्लास में डाल दो, फिर उसे फर्श पर रख दो, फर्श के ऊपर रख दो, फिर आप देखना क्या उसकी जो शेप है उसमें कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एक्टिविटी बेटा आप घर पे करके देख सकते हैं। जो जब भी हम किसी सॉलिड चीज़ की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ पक्का पता है कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी शेप बिल्कुल फिक्स होती हैं, उनकी शेप में हमारा चेंजेस नहीं आएगा। और रीज़न भी मैंने बता दिया है, इसलिए होता है क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में सटे हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो इधर उधर मूव नहीं कर पाते। जैसे देखो ये सटे हुए हैं ना, वो मूव नहीं कर पाते, जिससे उन चीज़ों की जो शेप होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल फिक्स्ड हो जाती है सॉलिड चीज़ों की। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर एज फॉलोज, मतलब कि इनकी पहचान मिली है क्या, दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज। हमें पता है कि इनकी फिक्स्ड ही शेप होती है और साइज भी जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। दे आर ईजी टू होल्ड, इन्हें पकड़ने में क्या होती है, आसानी होती है, क्योंकि इनकी शेप फिक्स होती है इसीलिए इन्हें आसानी से होल्ड किया जा सकता है। दे कैन नॉट फ्लो, वे बहती नहीं है बिल्कुल भी। दे कैन बी कट टू शेप, और उन्हें क्या किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, शेप दी जा सकती है उन्हें। आगे देखिए बेटा, लिक्विड, अगर मैं लिक्विड चीज़ों की बात करूँ ना तो हमारे दिमाग में कैसी सी चीज़ें आएंगी, लिक्विड चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि ऑयल हो गया हमारा, वाटर हो गया, इस तरीके की चीज़ें। बेटा देखिए आगे, देखिए बेटा, लिक्विड, लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफाइंड शेप, लिक्विड की कोई भी एक शेप नहीं होती, हम कोई भी लिक्विड चीज़ की प्रॉपर शेप नहीं बता सकते कि इसकी यही शेप है, बिल्कुल जो इसकी शेप है वो फिक्स है, क्योंकि लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप हो ही नहीं सकती। बट हैव अ डिफाइन वॉल्यूम, लेकिन हम उसकी वॉल्यूम बता सकते हैं, शेप नहीं बता सकते। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, उसकी शेप फिक्स नहीं होती, जैसा कि अभी बताया। देखिए बेटा, मैंने बताया था कि इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, और क्यों नहीं होती, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन देम आर लूजली पैक्ड एंड आर कॉन्टीन्यूसली मूव्ड अराउंड ईच अदर, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, मतलब कि वो पास पास सटे हुए नहीं होते, इसी कारण से जो, और वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, इसी कारण से जो इनकी शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती। लिक्विड कैन बी प्योर्ड इनटू अ वेसल्स एंड दे टेक द शेप ऑफ द वेसल। Important properties or liquid are as follows. They do not have a fixed shape. हमें पता है बेटा कि वो उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं हो सकती। They flow and take the shape of the container into which they are poured.
वो क्या करते रहते हैं, वो फ्लो भी हो सकते हैं, जो लिक्विड चीज़ें हैं वो बह भी सकती हैं। और देखो, आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे, जिस भी बर्तन में डालोगे, वो उसके जैसी शेप के ही हो जाएंगे। अब आप वाटर को ही ले लो, अगर आप वाटर को बाउल के अंदर डालोगे तो उसकी शेप वैसी ही हो जाएगी, अगर आप उसको बोतल के अंदर डालोगे तो उसकी शेप उसी तरीके की हो जाएगी। तो इनकी अपनी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, दे फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये हायर लेवल से लेकर कहाँ तक बहते हैं, लोअर लेवल तक। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनकी जो वॉल्यूम होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बेटा। देखिए, अब उन्होंने फिर वही चीज़ कह दी, देखो, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, आप इसे घर पे भी देख सकते हो करके, आप पानी का एक ग्लास लीजिए, ऑब्जर्व द शेप दैट द वाटर हैज़ टेकन। अब उसकी जो वाटर की शेप है, अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि वाटर की शेप क्या है। नाउ, तब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्योर द वाटर इन टू अ कप। अब आप उसी वाटर को कप के अंदर डाल के देखिए, और उसके बाद उसे प्लेट में डाल के देखिए। इन ईच केस ऑब्जर्व द शेप ऑफ वाटर, हर एक केस में आप उसकी शेप देखिए वाटर की, कि वो कैसी हो जाएगी। What do you observe? तुमने क्या ऑब्जर्व किया, बताइए बताइए। आप इसको करके देखना और फिर बताइएगा कि आपने कैसा ऑब्जर्व किया। आप यही देख पाओगे कि बेटा, कि आपने उसको जिस भी कंटेनर में डाला वो उसी के जैसा हो गया, उसकी अपनी कोई फिक्स्ड शेप नहीं हुई। जैसे जब आप प्लेट में डालोगे तो वो प्लेट की शेप का हो जाएगा, जब कप में डालोगे वाटर वो कप में ही आ जाएगा, जब आप उसको ग्लास के अंदर डालोगे तब उसकी शेप वैसी ही हो जाएगी बेटा। आगे देखिए, गैसेस, हैव यू एवर सीन द एयर, क्या कभी किसी ने एयर को देखा है, डेफिनेटली नॉट, हम यही कहेंगे नहीं, हम हवा को देख थोड़ी ना सकते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब एयर है क्या, मिक्सचर है वो गैसेस का, बहुत सारी गैसेस का। कैन यू होल्ड द एयर इन योर हैंड्स, क्या कभी तुम हवा को अपने हाथों में होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, नो, गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, क्योंकि गैसेस की कोई भी शेप नहीं होती। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और उनकी कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। इन अ गैस द मोलक्यूल्स आर मच फार अपार्ट देन इन अ सॉलिड और लिक्विड, जो इसके मोलक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। दिस मोलक्यूल्स आर सो लूजली, वो बहुत ही खुले खुले होते हैं, मीन्स दूर दूर होते हैं, पैक्ड दे आर फिल इन द एवरेबल स्पेस, दे मूव इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, इसलिए वो दूर दूर तक मूव हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आर एज फॉलोज, अब गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, देखिए, दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड शेप, उनकी कोई भी जो शेप है वो डिफाइन नहीं होती। आगे देखिए बेटा, उनकी जो शेप है वो डिफाइन नहीं होती। दे स्प्रेड आउट एंड फिल अप ऑल द स्पेस अवेलेबल टस चेंजिंग द वॉल्यूम, अब उसने क्या कहा है कि वो फैल जाती हैं, हमें पता है ना गैस बड़ी जल्दी फैल जाती है। दे आर ऑफन इनविजिबल, और वो प्राय क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, मीन्स हमें गैस दिखाई भी तो नहीं देती। आगे देखिए बेटा, अब देखिए आप, इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट्स, मैटर में चेंजेस इट्स स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग, अब ये चेंजेस भी की जा सकती हैं, चेंज भी हो जाते हैं। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर इंटरचेंजेबल स्टेट्स, अब इनको बदला भी जा सकता है। किस तरीके से, वाटर एग्जिस्ट्स इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, जैसे वाटर को ही देख लो, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। देखिए, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर दिस स्टेट चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में इन्हें क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आप पिक्चर ही देख सकते हो, ये चीज़ क्या है, सॉलिड, क्योंकि बर्फ है, ये मेल्टिंग हो गई तो फिर ये क्या बन गई बेटा, लिक्विड, उसके बाद क्या हुआ, भाप बन के उड़ गई, तो ये क्या बन गई हमारी, गैस। ये आपको एक दिखा रखा है उन्होंने, जैसे देखिए,
हेयर यू कैन सी डैट द आईज इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वॉटर। सही कहा उसने कि हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बर्फ़ है वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि अभी तो उसकी एक फिक्स्ड शेप है। ऑन हीटिंग इट चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट ऑफ वॉटर। जैसे ही वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी टेम्परेचर की वजह से या पिघलनी शुरू हो जाएगी, तो वो किस चीज़ में बदल जाएगी, लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। व्हेन वी हीट दिस वाटर इट चेंजेस टू वाटर वेपर द गैशियस स्टेट ऑफ वाटर। फिर ये किस में बदल जाएगी, भाप में बदल जाएगी। दिस इज नोन एज इवेपोरेशंस। दिस प्रोसेस कैन ऑसर इन रिजर्व डायरेक्शन ऑल्सो। चेंजिंग ऑफ अ गैस इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। व्हेन अ लिक्विड चेंज टू सॉलिड स्टेट, जब कोई लिक्विड चीज़ सॉलिड में बदल जाती है, तब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। जैसे देखिए, आगे देखिए, सो वी कैन कंसर्व डैट ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। अब आप एक बात ही देख लीजिए, आपने बर्फ़ निकाली तो वो सॉलिड थी, आपने उसको कुछ टाइम के लिए बाहर रख दिया तो वो मेल्ट हो गई, तो वो पिघल गई, ठीक है, तो वो हमारे एक तरीके से किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में रह आ गई। और कई बार होता है ना पानी में वो जो भाप बन के उड़ जाता है, वो क्या होती है, एक तरीके की गैस होती है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इन मैटर्स को इंटरचेंज किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। आगे देखिए बेटा, देखिए अब उसने क्या रखा है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, और हमारा सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए, सॉलिड इन लिक्विड, अ सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। वेयर वन सब्सटेंस डिसॉल्व्स और मिक्सेस वेल इनटू अनदर। मीन्स जब हम एक चीज़ में दूसरी चीज़ को मिला देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर, जैसे कि हम वाटर के अंदर क्या मिला देते हैं, पानी को मिला देते हैं, मेकिंग सॉल्ट वाटर, तो वो क्या बन जाता है, सॉल्ट वाटर बन जाता है। अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर गिव्स राइस टू शुगर सॉल्यूशन। जैसे कि हम क्या मिला देते हैं, पानी में शुगर को मिला देते हैं, तो क्या हो गया, सॉल्यूशन। Thus we can say a solution has two substances. इसमें two substances हैं, one which gets dissolved and the other, each is whether other substance dissolved. Let us take an example. Take 5 spoons of sugar and a glass of water. वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, 5 spoons लेनी है sugar की और उसे पानी के glass में डाल देना है। Put the sugar in the glass and स्टेयर इट वेल। उस शुगर को ग्लास के अंदर डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से घोलना है, चलाना है आपको। वट डू यू सी, आपने क्या देखा, कैन यू सी द शुगर, क्या आपने शुगर को देखा। नाउ टेस्ट द वॉटर, अब उस पानी को पी कर देखो। पहले आपने नॉर्मल पानी पिया, उसका टेस्ट अलग होगा, आपने उसके अंदर चीनी मिला दी और घोल लिया, फिर उसको पी कर देखो उसका टेस्ट अब आपको कैसा लगेगा। हाउ डज़ इट टेस्ट, उसका टेस्ट आपको कैसा लगेगा। द शुगर इज़ मिक्सड एंड कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड देयर फोर वी कैन नॉट सी इट। जब पानी के अंदर वो पूरे तरीके से मिल जाएगी ना चीनी, तब वो हमें पानी के अंदर दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर पूरे तरीके से घुल जाती है, घुलनशील हो जाती है। जब आपने उसमें स्टार्टिंग में चीनी डाली तो आपको दिखाई दिया, लेकिन जब आप उसे घोलते गए तो वो बाद में आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि वो पूरे तरीके से किसके अंदर मिल जाएगी, वाटर के अंदर मिल जाएगी और उसका टेस्ट भी आपको चेंज लगेगा। नाउ वाटर ऑल्सो टेस्ट स्वीट, वही बात आ गई, अब आप उस पानी को पीकर देखोगे तो आपको वाटर का टेस्ट कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व्ड शुगर, किसकी वजह से लगेगा, क्योंकि जो शुगर है वो वाटर के अंदर पूरे तरीके से मिल गई है, इस वजह से।
आगे देखिए, द सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व्ड इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सेल्यूल। अब उसने कहा है कि द सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व, जब एक चीज़ होती है वो दूसरी में मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल इन शुगर सोल्यूशन शुगर इज सेल्यूट। शुगर वाला सोल्यूशन दिया था, एग्जाम्पल दिया था, तो जो शुगर था वो सोल्यूट था और जो अदर सब्सटेंस था वो क्या था हमारा, सोलवेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट। और जो उनको मिला के चीज़ बनी बेटा उसको हम क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखिए आप, व्हेन टू लिक्विड कैन बी मिक्स टू अ फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन। जब कोई भी दो चीज़ें हैं किस में मिल जाती हैं और उनसे जो चीज़ बनती है मैंने बताया उसको क्या बोलेंगे हम, सोल्यूशन। दे आर कोल्ड, उनको और क्या बोल सकते हैं, मिजिबल लिक्विड। लाइक इन द अबव एक्टिविटी वाटर एंड मिल्क मेक अ सोल्यूशन। जैसे हम वाटर और मिल्क को मिला दें तो उससे जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, हमारी सोल्यूशन होगी। वेयर टू लिक्विड कैन नॉट बी मिक्स टू अ फॉर्म अ सोल्यूशन, ऐसी चीज़ जो मिक्स नहीं होती, दे आर कोल्ड, उनको हम क्या बोलेंगे, इमिजिबल लिक्विड। जो घुल जाती हैं वो तो मिजिबल, और जो नहीं घुल पाती उसे हम क्या बोलेंगे, इमिजिबल लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन एक्टिविटी वाटर एंड ऑयल डू नॉट मेक अ सोल्यूशन। जैसे वाटर और ऑयल है वो सोल्यूशन नहीं है, वो नहीं बन सकते ऐसे। गैस इन लिक्विड, देखिए, You must have seen bubbles coming out of a soft drink. आपने सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर बबल्स देखे हैं ना, लाइक कोक हो गई, फैंटा हो गई एंड सोडा हो गया, हमने उनके ऊपर बबल्स देखे हैं। दीज आर द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो बबल्स होते हैं ये क्या होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। दिस शोज डैट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज Dissolved in the soft drink. ये किसके अंदर घुस जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ही मिल जाते हैं। This is the example of gas in a liquid. ये किस तरीके का example है कि गैस को लिक्विड में कैसे बदला गया, सोल्यूशन कैसे बना वो, इस तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे देखिए, the aquatic animal like fish breathe in the oxygen. Get dissolved in water. आगे देखिए बेटा, देखिए बेटा, ये लेसन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको ये लेसन अच्छा अच्छा रीड करना है, जिसमें आपको अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलेगा और भी ज़्यादा, कि हमारी गैस क्या होती है, लिक्विड क्या होता है और सॉलिड क्या होती है। इसके अलावा बेटा, एक आपको छोटी सी एक्टिविटी दी जा रही है जो आपको घर में ज़रूर खुद से करके देखनी है। देखो, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आप वाटर का ग्लास तो ले ही सकते हो जैसा कि इसमें शो कर रखा है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, ऐड ऑरेंज स्क्वैश और एनी अदर फ्लेवर टू इट। कोई भी अदर फ्लेवर ले लो या ऑरेंज का ही ले लो, आपको क्या करना है उसमें मिला देना है वाटर के अंदर। फिर क्या करना है, ऐड शुगर एंड स्टर वेल। आपको उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिलानी है और उसको अच्छे ढंग से घुमाना है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्योर दिस इनटू द आइस ट्रे। जब आपने उसको अच्छे से घोल लिया और उसके अंदर शुगर भी डाल ली, तो आपको उसको आइस ट्रे में इस तरीके से डाल देना है। फ्रीज इट, उसे फ्रिज में आपको रख देना है, फ्रीज़र के अंदर फ्रीज करने के लिए। वंस फ्रोजन एंजॉय इट, जब वो अच्छे से हो जाएगा तब आप उसको बाहर निकालोगे तो देखना कुछ इस तरीके के टुकड़े निकलेंगे, जिन्हें खाकर आप क्या कर सकते हो, इंजॉय ले सकते हो, जो कि बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बेटा, इसको आपने खुद से अच्छा अच्छा ज़रूर करके देखना है। आपको करने में भी इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप ये एक्टिविटी अपने घर में ज़रूर करके देखना। और बेटा, इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको ये लेसन अच्छा अच्छा रीड करेंगे और अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, हमारे चारों तरफ अगर सोचा जाए तो यही सब चीज़ें तो हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस जो तो कभी हमें दिखाई नहीं देती, लिक्विड जिसकी अपनी तो कोई शेप ही नहीं होती, सॉलिड जिसकी अपनी शेप होती है और उसे आसानी से तोड़ा मरोड़ा भी नहीं जा सकता,
लिक्विड को तो आप जिस चीज़ में डालोगे वैसी ही हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात है वैसे। देखो अगर लिक्विड को मैंने कप में डाला उसके जैसी शेप की हो गई, ग्लास में डाला उसके जैसी शेप की हो गई, तो लिक्विड की तो अपनी शेप है ही नहीं, और गैस वो तो हमें दिखाई नहीं देती। तो ठीक है ना बेटा, इसमें हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई हैं, और ये एक्टिविटी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, तो आप ये भी ज़रूर करेंगे। तो आपको पूरा लेसन रीड करना है और ये एक्टिविटी घर से करके देखनी है आपको, खुद से ज़रूर करेंगे बेटा ये। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।